माँ की ममता। इस सृष्टि में सबसे प्यारा कोई नाम है तो वह माँ है। जीव जब भगवान की गोद छोड़कर संसार में आता है तो अपने आप को माँ की गोद में पाता है और वह माँ को भगवान का स्वरूप समझता है। इसलिए किसी कवि ने खूब लिखा है, उसको नहीं देखा हमने कभी और उसकी ज़रूरत क्या होगी ओ माँ। तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। माँ ही वास्तव में बच्चों की प्रथम गुरु है जो बच्चों को सांसारिक जीवन देती है, शौचाचार शिष्टाचार लोकाचार सिखाती है। माँ अपना समस्त महत्व बच्चे पर लुटाती है और उसे अच्छे संस्कार देकर चरित्रवान से जवान बनाती है। माँ की ममता की माँ किसी से भी नहीं की जा सकती, न किसी व्यक्ति से, न पदार्थ से और न किसी देवी देवता से। उसकी ममता का आंचल धरती और आकाश के विस्तार से भी अधिक होता है। माँ की ममता सूरज के प्रकाश की भांति है जो बच्चों के सन्मार्ग दिखाती है। उसमें प्यार की गर्मी तो है परंतु सूरज जैसे सुलझने वाले आग नहीं। के आंचल की छाया चांद की शीतलता के समान है। चंद्रमा में तो फिर भी कलंक है परंतु माँ की ममता को कलंक से परे है, क्योंकि उसकी ममता निस्वार्थ है, भावना से ओतप्रोत होती है। जब उसका बच्चा बीमार होता है वह सारी सारी रात जागकर बच्चे की तीमारदारी करती है, खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाएगी, तभी तो उसे धरती जैसा महानशील कहा गया है। जब उसके कोई त्यौहार होता है तो उसकी सबकी छुट्टी होती है पर माँ की नहीं होती।